हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 जनवरी 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड में, यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें 2.97% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिले। क्लोजिंग यहाँ पे 1307.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल एक यहाँ पे मीडियम साइज की, ऊपर की साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 32-33 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना, आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में अपसाइड मूव सबसे पहले 1320 के आसपास देखने मिले। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है हमें इजीली 1355 तक आते हुए देखने मिलेगा। तो जरूर जब चीज को यहाँ पे जो ध्यान में रखते हुए चले। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब इंट्राडे में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ही ग्रैब करें, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल से बाइंग करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी 1400 के ऊपर जो है अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। वहां से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक में मैं आपको रेकमेंड करूँ स्टॉक को थोड़ा सा कंसोलिडेट होने से अराउंड यहाँ पे जो हमारा 1189 के आसपास आए या फिर उसके नीचे जाए तो वहां पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते हैं। याद रखें वहां पे आपको जो है अपना जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल डालने वाले हो स्टॉक में, तो वहां पे आप जो है पूरा का पूरा ना डालें। यहाँ पे सिर्फ 20-25% का अपना कैपिटल डालें, क्योंकि यहाँ से अगर कभी भी 10-20% का डाउनफॉल आए तो वहां पे आप एडिशनल जो बाइंग करने के लिए आपके पास कैपिटल हो, जो आपको यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस जो कम कर देगा और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना ही। लेकिन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में, बात करते हैं यहाँ पे हमें कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट जो है, यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है ये 15 मिनट का चार्ट है, तो वन आर का चार्ट यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एज सच यहाँ पे फिलहाल मार्क्ड है, हमें ज्यादा कोई मार्किंग करने की जरूरत, नीचे की साइड में खाली छोटा सा डेटा हमें बनते हुए देखना है, उसको खाली हम मार्क करके रख देते हैं। और यहाँ पे मैं जूम करके बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे जो भी हमने जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है डेटा उसको आप जरूर अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो क्लोजिंग की बात करें तो 1301.95 के आसपास क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1301.05 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1311 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको
समझा है तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1294 का, उसके बाद क्या आता है 1285 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोन के बाद का अगला रेजोन आता है 1326 का, उसके बाद क्या आता है 1340 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का, लेकिन यहाँ पे मैं कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन हो रही है उससे मैं जरूर देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है डायरेक्ट सपोर्ट के पास में यहाँ पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो स्टॉक नीचे के साइड में जाके फिर हमें रिवर्सल जो है वो दे सकता है। बाकी ओवरऑल हमारा ओपिनियन जो है कल के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हम क्लोजिंग एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं। बाकी अगर वॉल्यूम जो है एंड में बढ़ा तो और भी जो स्टॉक ऊपर जा सकता है। कल के दिन याद है कि थर्सडे है तो थोड़ा सा वॉलीटिलिटी हमें देखने मिल सकती है मार्केट में। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।